शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 165। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। मुझे पता है आप सबको कैलेंडर देखना आता है, फिर भी चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। तो चलिए गिनते हैं। पहला महीना, पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी, तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है, क्योंकि मार्च के महीने में हमेशा होली होती जर्नली। अप्रैल है चौथा महीना, पक्की फसल उगा नगीना। ठीक है, यानी अप्रैल जो है वो आपका चौथा महीना होता है जिसमें मोस्टली फसलें पकने लगती हैं, बौर आ जाता है ना, तो सब में जो है मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की लहर होती है। पांचवा महीना होता है, होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी कि मई के महीने से ही गर्मी की शुरुआत हो जाती है, काफ़ी अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है। छठा महीना आया जून, तब तक सूरज देता भून, यानी कि अब छठा महीना जून का है तो इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है, लू चलने लगती है कि आपको सूरज इतना ज़्यादा गर्म होता है कि अच्छा भला इंसान भुन जाए, है ना। भुनना का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। आगे क्या लिखा है, सातवां आया अब जुलाई, अब सातवें महीने में कौन सा आता है, जुलाई आता है, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। अब आपको पता है मई और जून में आपको छुट्टियां मिलती हैं, इसके बाद जुलाई की फर्स्ट तारीख को यानी 1 जुलाई को ही आपके स्कूल ओपन हो जाते हैं। फिर आया अगस्त, जन्मे कहान बारिश मस्त, यानी कि अब क्या है, अब जो आपका अगस्त का महीना है उसमें कान्हा जी का जन्म होता है और बारिश की शुरुआत हो जाती है। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। ठीक है, अगस्त भर बारिश रहती है जबकि सितंबर के बाद मौसम खुलने लगता है और आसमान साफ होने लगता है, अंबर माने आसमान। दसवां माह अक्टूबर, ग्यारहवां है नवंबर, आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। ठीक है, अब आता है दिसंबर और दिसंबर में शुरू हो जाती है सर्दियाँ जिसके बाद हम सब रजाई के अंदर नज़र आते हैं। अब ज़रा यहाँ आप ये वाला चार्ट देखिए। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आने लगे और काफ़ी क्लियर भी है तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, आपकी शुरुआत होती है जनवरी से, जनवरी और फरवरी में अच्छी खासी थोड़ी सी मतलब सर्दी रहती है जबकि मार्च, अप्रैल और मई नॉर्मल मौसम रहता है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग का मौसम। किसका? स्प्रिंग यानी बहार का मौसम। ठीक है, जून, जुलाई और अगस्त जो है अच्छी खासी गर्मी का मौसम होता है जिसके बाद जो है मतलब गर्मी अच्छी खासी हो जाती है, धूप बहुत हो जाती है। फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो है ये आपका ऑटम का महीना होता है। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, जिसमें जो भी ये नए पत्ते खिले होते हैं मार्च अप्रैल में वो सब आके झड़ जाते हैं। फिर जब आपका दिसंबर और जनवरी और फरवरी ये तीन महीने आते हैं तो इसमें सर्दी के कारण पूरा पेड़ आपका सूख चुका होता है और फिर जैसे ही फरवरी की एंड और मार्च की शुरुआत होती है वैसे ही फिर से पेड़ों में बौर आ जाता है, बहार आ जाती है, नए फूल, नए कलियाँ सब खिलने लगते हैं, कर लेंगे आसानी से। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से विंटर आता है, किस तरह से विंटर के बाद आपका स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद किस तरह से आपका समर आता है और किस तरह से ऑटम आता है, कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब इस तरह से हम लोग ने सारे महीने जान लिए। तो यहाँ लिखा है, बच्चों क्या आपने पहचाना ये कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। बिल्कुल ठीक, ये महीनों के नाम पर कविता लिखी गई है। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं, आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। तो चलिए इसके महीनों के जो नाम है इनको लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला महीना, पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी का। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है आपका? फरवरी। ठीक है, तो आप लिखेंगे फरा, फर व रा में बड़ी ई की मात्रा, फरवरी। फरवरी का महीना जनरली 28 दिन का होता है लेकिन अगर लीप ईयर हो तो वो 29 का हो जाता है और लीप ईयर हर 4 साल के बाद पड़ता है। ठीक है, 3 साल के बाद 4th साल लीप ईयर होता है। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा महीना आपका कौन सा होता है? मार्च। तो माँ आपका रंडा, चा और चा के ऊपर आधी रा, मार्च। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद कौन सा आता है? मई। तो आप लिखेंगे, रुकिए मैं कलर चेंज करती हूँ, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, माँ, माँ में बड़ी ई की, माँ और बड़ी ई, मई। उसके बाद आपका आता है जून। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ आपको सारे महीनों के नाम दिए गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे दिए गए हैं, है ना। लेकिन चलिए, क्योंकि आपका आंसर है तो मैं आपको आंसर के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। तो यहाँ तक हो गया था मई, मई के बाद कौन सा आता है? जून। तो आप लिख सकते हैं जामे ऊ की मात्रा ना जून,
ठीक है, वैसे आप चाहे तो यहाँ से भी देख लें अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए। जून के बाद आ गया जुलाई, अच्छा सॉरी एक गड़बड़ तो हो गई हमसे, हमने यहाँ महीनों के नाम लिखे लेकिन दिन तो लिखना भूल ही गए। मार्च हमेशा 31 का होता है, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल जो है ये 30 का होता है, ठीक है, अप्रैल के बाद आपका मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, मई 31 का होता है, मई के बाद आपका जून आता है, ये आपका 30 का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जुलाई, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपका जुलाई जो है वो भी 31 का है और अगस्त जो है वो भी आपका 31 का है। अब अगस्त कैसे लिखते हैं, आ गा आदसा और ता, अगस्त ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर फिर 30 का होता है, सितंबर के बाद फिर आता है आपका अक्टूबर, तो अक्टूबर कैसे लिखेंगे आप लिख लीजिए यहाँ से आ आधा का ता में बड़े ऊ की मात्रा 12 अक्टूबर, तो अक्टूबर होता है आपका 31 का। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, ये देखिए यहाँ लिखा है ना वांग की बिंदी 12 नवंबर, ठीक है। नवंबर होता है आपका 30 का, उसके बाद आता है दिसंबर, तो दिसंबर होता है आपका 31 का, ठीक है। आप चाहे तो ये अंक की बिंदी भी लगा सकते हो और अगर आप चाहें तो सा के बाद आधा माँ और वा के बाद आधा माँ भी लगा लें, अंक की बिंदी ना लगाएं तो वो भी ठीक है, ठीक है, दोनों तरह से लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि जनवरी 31 का होता है, फिर फरवरी जो है वो 28 या 29 का होता है, फिर मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31 है ना, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, ये तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमारे देश भारत में भी, भारत भी कुल मिलाकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए थे, जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। आइए इन तालिकाओं को पूरा करें। तो देखिए आपको पता है कि हमारे भारत में भी 4 चरण में लॉकडाउन की स्थिति आई थी। तो पहला चरण 25 मार्च से शुरू हुआ था, जो कि 14 अप्रैल तक चला था। उसके बाद दूसरा चरण आपका 15 अप्रैल से 3 मई के लिए था, और फिर 4 मई से 17 मई के लिए, और फिर 18 मई से 31 मई के लिए। इस तरह से हमारे उसमें भी 4 चरण में आपका लॉकडाउन हुआ था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ बताना है कि 5 मार्च से 14 अप्रैल तक की, सॉरी 25 मार्च से 14 अप्रैल के लिए कितने दिन हुए। उसके बाद आपको बताना है 15 अप्रैल से 3 मई तक कितने दिन हुए, फिर 4 मई से 17 मई, और फिर 18 मई से 31 मई कितने दिन हुए, और कुल कितने दिन तक लॉकडाउन रहा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ जो आपका है 25 मई से 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल है ना, तो 14 अप्रैल तक, क्योंकि मार्च का महीना आपका 31 का होता है, तो 6 दिन इधर मान के चलिए और 14 दिन इधर, तो 6 और 14 कितने दिन हो गए आपके, 20 दिन, ठीक है। तो 20 दिन का तो आपका ये मार्च से अप्रैल लगा। फिर अगर हम बात करें अप्रैल से मई, तो अप्रैल आपका 30 दिन का होता है, तो 15 दिन इधर मानिए और 3 ये, तो 15 और 3 कितने हो गए, 18 दिन, तो 18 दिन तो यहाँ पे लगा लॉकडाउन, ठीक है। उसके बाद 4 मई से 17 मई, ये तो बिल्कुल क्लियर हिसाब है कि 13 दिन होते हैं, और इसके बाद यहाँ 18 से 31 मई, ये भी 13 दिन होते हैं। तो इस तरह से पहले 20 दिन का लगा, फिर 18 दिन, फिर 13 दिन और फिर 13 दिन। तो इस तरह से हमारा लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद लॉकडाउन धीरे धीरे खुल गया था, ठीक। तो अब हमें ये बताना है कि लॉकडाउन कुल कितने दिन के लिए लगा था। तो जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 64 दिन, ठीक है, 64 डेज। तो आप लिख सकते हैं कि टोटल 64 दिन के लिए हमारा लॉकडाउन लगा था। कैसे, देखिए 8 और 3 कितने होते हैं, 11, 11 और 1, 3, 14, ठीक है। तो 14 का 4 हासिल लगा, 1, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, तो कितने हो गए, 6। तो इस तरह से आप इसे जोड़ लेंगे, ये आपका 64 आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। तो लिखा है इस तरह के, और अगर आपको अभ्यास करना है तो आप 80 और 81 दोनों पेज नंबर को पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके टीचर्स से कहा गया, आपको अच्छे से समझाया, आपके पेरेंट्स को कहा गया, बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप ईयर यानी 29 जो है वो सामान्य 28 वर्ष में 28 दिन होते हैं, ठीक है। लेकिन साधारण जो आपके प्रत्येक 4 साल के बाद जो होता है वो आपका क्या है, 4 से डिवाइड करके जो आता है, ठीक है, तो इसलिए 0 बचता है। तो इसलिए बताते हैं कि आप 2020 को 4 से भाग करें तो 0 बचेगा ना, इसलिए 2020 जो था वो लीप ईयर था, ठीक। अब आपका 2020 के बाद अब 2024 में लीप ईयर आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि किस तरह से लीप ईयर बनता है, ये अभी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है, बाकी आप लोग अपने पेरेंट्स से इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।